अगली खबर मध्य प्रदेश के भिंड जिले से है, जहां भिंड जिले के सुप्रसिद्ध दंदरोवा धाम में बागेश्वर धाम के महाराज वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की 5 दिवसीय कथा के दूसरे दिन दिव्य दरबार बागेश्वर महाराज ने लगाया। महाराज ने भक्तों के भूत एवं भविष्य को बताते हुए उनकी पीड़ा भी सुनी। बागेश्वर महाराज की कथा को सुनने के लिए राज्य मंत्री OPS भदौरिया, भिंड विधायक संजीव सिंह सहित कई प्रतिनिधि पहुंचे और कथा का श्रवण किया। वहीं कार्यक्रम की तैयारियों की पोल उस समय खुल गई जब ज्यादा भीड़ होने से एक महिला की जान चली गई। वहीं इस घटना पर देर शाम पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता में महिला की मौत पर खंडन करते हुए कहा कि महिला की मौत भीड़ अधिक होने से महिला का सीढ़ियों पर गिरने और दम घुटने के कारण हुई है, किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं हुई है। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने देर शाम पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता कर यह खंडन किया है, जिसमें उन्होंने दंदरोवा धाम में भक्तों का ऐतिहासिक जनसैलाब उमड़ा और महिला की मौत पर खंडन करते हुए कहा कि महिला की मौत भीड़ अधिक होने से सीढ़ियों पर गिरने और दम घुटने के कारण हुई है, किसी भी प्रकार की भगदड़ का उन्होंने खंडन किया है। वहीं देर शाम सोशल मीडिया पर पुलिस ने भी कुछ इसी प्रकार का प्रेस नोट जारी किया। वहीं बागेश्वर धाम महाराज ने भिंड को संतों व भक्तों का क्षेत्र बताया है। आपके चरणों में आए हैं ज्ञान पढ़ने के लिए। सूर्य भगवान ने गौर से देखा, बोले लग तो रहा है कि पहले कभी इनको देखा है। अरे याद आ गया, ये वही है जिनने बालपन में ही हमें खा लिया था। बाल समय रवि भक्त बहुत अद्भुत हमारे काजरू कहा गया। वो देखो एक समय था, सबका अलग अलग समय चक्र होता है। ये सरकारों का भी तो क्षेत्र है, यहाँ सरकार संत महापुरुष भी हैं, ये संतों का भी क्षेत्र है, ये सच्चे सेवकों का भी क्षेत्र है, भक्ति का भी क्षेत्र है। भिंड हमने अपनी दृष्टि में जो देखा, अभी कल गए थे जहाँ नदी गांव, वहाँ यज्ञ हो रही थी, गोरीलाल कुंजवाल जैसे महाराज जी, मध्य में हमें रावतपुरा महाराज जी मिले, रावतपुरा महाराज जी ने सहृदय और क्या अद्भुत स्थान बना। यहाँ पर दंदरुआ में तो लीला ही अलग है, डॉक्टर हनुमान में साक्षात श्री हनुमान जी विराजमान है। तो ये पूरा क्षेत्र प्रभुता प्रभुत्व साधना से भरा पड़ा है, साधन कम है, साधना बहुत है।